पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पीडीआई के चेयरमैन परवेज खट्टक का कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम को चोर चोर के तराने में लगाया और खुद सारा माल हड़प कर गया। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तब्दीली खान ने हमेशा तकबर और अना की सियासत की, गरूर और तकबर का असर हमेशा नीचा रहता है। परवेज खट्टक ने कहा कि पीटीआई का नौशहरा का जलसा मेरे नजदीक एक फ्लॉप शो था। दूसरे अजला से गाड़ियां भर भर कर कराए गए, लोग नौशहरा काला ग्राउंड लाए गए। सरबराह पीटीआईपी ने मजीद कहा कि नौशहरा पहले भी मेरा था और अब भी हवा मेरे साथ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अब तो मालूम होता है कि मर जाए तो ही केस फिक्स होगा। रावलपिंडी की अदालत में पेशी के मौके पर बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जाली केसेस भुगत रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक केस खत्म होता है तो दूसरा बन जाता है। फवाद चौधरी पटियाला जैसे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी के ड्यूटी जज गुलाम मुस्तफा की अदालत में पेश कर दिया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन ने 29 नवम्बर को करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। तर्जुमान का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है और इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी भी दूसरे बयान पर तवज्जो न दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान ना समझा जाए। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दिया जा रहा है। पीपी समेत कई लोगों का शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कमर जमान कायरा का कहना है कि किसी जमात को ताकत के तौर पर सियासी अमल से महरूम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। पीटीआई के कुछ लोग अगर केसेस में मुलव्वित हैं तो केसेस के जल्द ट्रायल होने चाहिए। जजा सजा का फैसला अदालतों से होना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तरीके से कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने आवाम के सहारे के अलावा कभी सहारा नहीं लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त बना ली है। जराये के मुताबिक इसहाक खाकवानी और चौधरी नुमान लगड़ियाल पर मुस्लिम कमेटी ने फहरिस्त तैयार की है। बताया गया है कि आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून की कमेटी को दी जाएगी। आईपीपी कौमी असम्बली की 20 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त देगी। कौमी असम्बली के 19 हल्कों का ताल्लुक पंजाब और एक का कराची से है। आईपीपी पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। आईपीपी के गुज़िश्ता रोज के इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीफ कर दी गई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए इंसानी हुकूक शाह मलिक ने कहा है कि मेरे शोहर यासिन मलिक का फैसला 2 दिन में आने वाला है। भारतीय अदालतें नरेंद्र मोदी सरकार की सहूलत कार है। इस्लामाबाद में ह्यूमन राइट्स काउंसिल और पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस की खिताब में शाह मलिक ने कहा कि यासिन मलिक का केस हमारे खिलाफ ही आना है। ये दिन हमारी फैमिली के लिए कयामत केस है। उन्होंने कहा है कि हमारी फैमिली को यासिन मलिक से नहीं मिलने दिया गया। इस मुकदमे की रिपोर्टिंग की भारतीय हुकूमत ने इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त ही नहीं दी गई। निशान मलिक ने मजीद कहा कि 2019 के बाद नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में फोर्सेस मजीद बढ़ा दी। दुनिया की आंखें खोलने के लिए मकबूजा कश्मीर की वीडियोस काफी हैं। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की तंगीज खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल पर दुनिया की बहुत कम मालूमात है। निशान मलिक ने यह भी कहा कि दुनिया के अमन के लिए फलस्तीन और कश्मीर का मसला आज भी हल तलब है। मकबूजा कश्मीर में एहतजाजी कब्रें बन रही हैं।